हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया आशु ब्लॉग। और आज है दिन धनतेरस का और मैं छोटी सी शॉपिंग करके आ भी गई हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ लाई हूँ रंगोली के आइटम जो वॉल पे लगाऊंगी। ये कुछ इस तरीके का था और मैंने यहाँ पे ये खोल दिया है। तो ये अभी मैं देखती हूँ मुझे कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ एडजस्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने निकाली है अपनी पूजा की थाली और इस पूजा की थाली में सब बने हुए गायत्री मंत्र वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और ये एक छोटा सा दीप और ये रही हमारी लक्ष्मी जी। आज धनतेरस है और अभी ये आने वाले हैं ऑफिस से, तो इनके साथ मैं वापस से मार्केट जाऊंगी कुछ सामान लेने के लिए। वो मैं तभी दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेकर आऊंगी। और 6 बज रहे हैं और अभी तक मैंने बाहर की लाइट भी नहीं जलाई है, तो सबसे पहले जो कल लाइट लगाई थी ना वो लाइट जला देते हैं। पहले अपने यहाँ गेट की जलाते हैं। दिवाली का दिन है और अंधेरा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो कुछ उस टाइप की हमारी लाइट जल गई है। देखो और चलते हैं ऊपर लाइट जला कर आते हैं। सर्दियों के टाइम में ना मैं देखती नहीं रही, सर्दियों के टाइम में 5-5:30 बजे के बाद ना अंधेरा होना शुरू हो जाता है। पहले बाकी लाइट जला दे, तो जल गई हमारी बाहर की लाइट भी। चलते हैं नीचे। छत से हमने अपनी बाहर की लाइट भी जला दी है और आज मैंने नया सूट पहना है। अंदर चल के दिखाती हूँ। धनतेरस के मौके पे मैंने सूट भी थोड़ा आज नया वाला डाल लिया अपना, और इसका कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और मैंने बनवाया नीचे पैंट वाला। और आप में से ना कई लोगों का कमेंट आया था कि आप सर पे हमेशा पल्ला क्यों रखते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा ससुराल है, मैं यहाँ की बहू हूँ, तो जब मैं छत पे जाती हूँ या बाहर थोड़ा गैलरी टाइप में जाती हूँ ना, गैलरी की साइड में, तो मैं सर पे पल्ला रख लेती हूँ। हाँ सास है, बाकी लोग मना नहीं करते हैं, पर अपना भी कुछ फर्ज होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पल्ला रख लेती हूँ। चलो कान सुनोगे, मतलब अकेले अकेले शर्म तो आनी नहीं होगी अकेले अकेले खाने में। जाओ तुम फोन चलाओ। ये 7-7:30 बजे तक आ गए थे, तो उसके बाद हम लोग गए थे मार्केट और मैं फोन अपना घर पे रख के गई थी, क्योंकि आज ना मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ थी। तो जो सबसे पहला आइटम हम लेकर आए हैं धनतेरस वाले दिन जो मेन होता है, वो लाए हैं ये झाड़ू, ये वाले झाड़ू लाए हैं। सबसे पहले लाए हैं ये वाले झाड़ू। और कहते हैं ना कि जिसका सोना चांदी जो नहीं खरीद सकता या उतना बजट नहीं होता है, तो धनतेरस वाले दिन एक झाड़ू और एक कोई भी पानी रखने वाला पात्र लाना जरूरी होता है। जरूरी क्या, मतलब ले लेना चाहिए धनतेरस वाले दिन। तो सबसे पहले हम लाए हैं ये झाड़ू, उसके बाद ये इतना सारा सामान जो वैसे उठाया भी नहीं जा रहा, इतना सारा सामान है। और फिर बर्तन के लिए हम ये वाला बर्तन लेकर आए हैं, चायदानी, दूध गर्म करने के लिए, चाय गर्म करने के लिए, पानी रखने के लिए, किसी चीज के लिए भी यूज आ सकता है। तो दूसरा आइटम ये लाए हैं धनतेरस के लिए, जो मेन था झाड़ू और ये। और आज मार्केट भी थी, तो मार्केट से हम थोड़ी सब्जी वगैरह भी ले आए हैं। तो सबसे पहले लाई हूँ मैं सोयाबीन, खुली सोयाबीन है छोटी वाली। और उसके बाद लाई हूँ पालक, और उसके बाद बैंगन और हरी मिर्च, सरसों का तेल, चार डेटॉल,
चार कपड़े धोने वाले साबुन सर्फ एक्सल, क्योंकि ना मैं एक एक दो दो लेने में ना पता भी नहीं चलता और सही भी नहीं रहता, इसलिए एक साथ सामान लिया। और एक सर्फ एक्सल का आधे किलो वाला सर्फ, पूजा के लिए तिल का तेल, बाती, कलावा, कपूर की डिब्बी और ये मिट्टी के दिए, ये है पूजा के आइटम। और उसके बाद में लाई हूँ दो मैगी के पैकेट, एक नमक का पैकेट और ये एक एक रुपए वाले संतल का एक पैकेट, मतलब एक लाइन एक लड़ी पूरी, पतंजलि का पेस्ट, एक मैच बॉक्स। और आज बाजार था ना तो ये ऐसी बटरफ्लाई भी मिल रही थी, तो ये 10 रुपए का एक पैकेट था, तो ये बटरफ्लाई, चीनी चावल। तो धनतेरस वाले दिन मैं इतना सारा सामान ले आई हूँ। और मेन है हमारा झाड़ू और ये पात्र, मतलब ये बर्तन, पानी का बर्तन, और ये सारा किचन आइटम है। और आज मैंने खाने में बनाए हैं छोले चावल, तो ये रहे मेरे छोले, और कुकर में रखे हुए हैं चावल। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और हैप्पी 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 धनतेरस। पर आप मेरी वीडियो देख रहे हो आज छोटी दीपावली वाले दिन, तो आप सभी लोगों को हैप्पी 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 दीपावली, बाय बाय।